हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। आप सब देख रहे हैं लखनऊ पशु बाजार चैनल। आज हम आए हुए हैं हाईटेक किसान एग्रो फार्म पर, जो लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश। और यहाँ के आनर से हम मुलाकात कराते हैं रिंकू तिवारी भाई से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, और क्या हाल चाल हुआ? बस बढ़िया है मित्र, अपना बताइए। सब बढ़िया है। तो आज क्या दिखाने जा रहे हैं? आज मैं आपके जो व्यूअर हैं और आपके माध्यम से मैं देश के हर पशुपालक, क्योंकि आपका चैनल भी पशुपालन से आधारित है। जी जी। तो पशुपालन आज के डेट में तभी संभव है जी जी, जब हमारे पशुपालक भाई, चाहे डेयरी फार्मर हो, चाहे गोट फार्मर हो, या चाहे छोटे किसान हो जिनके पास एक जानवर है, गाय है, भैंस है, जी उनके लिए जो सबसे मेजर चीज है पशुओं के लिए उपलब्ध करवाना, वो है ग्रीन फूडर, हरा चारा। यानी हरा चारा। जी, हरा चारा जो है जानवर के लिए बहुत आवश्यक है। हरा चारा जानवरों के लिए बहुत ही आवश्यक है हर समय में। और हरे चारे के पैदावार से आप भूसे की बचत कर सकते हैं, क्योंकि भूसा आज के डेट में 15 से 20 रुपए केजी तक का रेट है, और उसमें ना तो कोई न्यूट्रिशंस होते हैं, ना ही कोई प्रोटीन है, और ना ही कोई चीज़ें, सिर्फ पेट भरने के लिए, वो भूसा नाम ही उसका है, तो भूसे का ही जैसा है वो। किसान भाइयों, आज आप लोगों को लेके आए हैं एक चारा के फार्म पर, जो हाईटेक किसान एग्रो फार्म है, जो लखनऊ में स्थित है। यहाँ से आपको दिखाएंगे चारे के फार्म के बारे में पूरी जानकारी, ऐसे चारे के बारे में बताएंगे, बताया जाएगा आपको, दिखाया जाएगा, जो पूरे साल चारा उपलब्ध रहता है, पूरा साल आपके फार्म घर पर चारा उपलब्ध रहेगा। तो भाई, ये चारे के बारे में क्या बता रहे हैं आप? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी पशुपालक भाइयों को ये बताना चाहता हूँ जी जी, कि मैं ये लखनऊ से हूँ और ये मेरा हरे चारे का अनुसंधान केंद्र है जी। यहाँ पर मैं लगभग 20 से अधिक वैरायटियों पर रिसर्च कर रहा हूँ जी जी, और ये जितनी भी वैरायटियाँ हैं सब मल्टी कट हैं, हाई प्रोटीन हैं जी जी, ये एक बार लगाने पे कई सालों तक चलने वाली हैं जी जी। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको ये जो आप विजुअल दिखा रहे हैं, ये है सुपर नेपियर 4G बुलेट हाइब्रिड हरा चारा। सुपर नेपियर के नाम से यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज वगैरह पड़ी हुई हैं और हमको देख के बहुत एक तरीके से हंसी भी आती है कि किस तरह से किसानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जी जी। मैं किसान भाइयों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये मेरा रजिस्टर्ड फर्म है हरे चारे का, और ये सुपर नेपियर 4G बुलेट हाइब्रिड हरा चारा है, इसका नाम है भाई। हाँ, इसका नाम है जी। और इसकी जो विशेषता है कि आप इसको एक बार लगाकर लगातार 5 से 7 साल तक इसका उत्पादन ले सकते हैं, ठंडी गर्मी बरसात सभी मौसमों में ये अच्छी पैदावार देता है। सभी मौसम में जी। तो ये सभी मौसम के लिए बढ़िया है? ये सभी मौसमों के लिए बेटर है, क्योंकि आमतौर पर जो भी हमारे पशुपालक भाई हैं उनके लिए हरे चारे की जो समस्याएं होती हैं कि उनको सीजनल हरा चारा ही मिल पाता है। अगर वो ठंडियों में लगाए हैं तो एक दो कटिंग होकर बारिश में ख़त्म हो जाता है, अगर बारिश में लगाए हैं तो एक दो कटिंग होकर वो गर्मी में ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो सुपर नेपियर 4G बुलेट है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये मल्टी कट है, मल्टी ईयर्स में चलने वाला है, एक बार लगाकर लगातार 5 से 7 साल तक आप इसका उत्पादन कर सकते हैं। हम किसान भाइयों की तरफ से ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई किसान भाई अपने खेत में लगा दिया इसका जो है गटिया लगा दिया, इसकी गांठ ये देखिए जिस तरीके से मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे किसान भाई समझ लें, इसका सीड्स नहीं आता है। अगर इसका सीड, बीज, दाना जो होता है, अगर वो आपको कहीं भी मिल रहा है जी जी, किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे या किसी चैनल पे, तो वो फर्जी है, वो जनरेट नहीं करता है जी जी। इसकी जो लगाने की प्रक्रिया है, इसी पौधों से ही ये इसकी कलम, गांठ, गठिया, स्टिक, हर जगह इसको अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं जी जी। तो ये इसके पौधे से ही तैयार की जाती है और यही खेत में आप इसको प्लांट करेंगे। एक पौधे से लगभग 6-6 अंगूर की काट ली जाती है। हाँ, ये लगभग 6 अंगूर की काट ली जाती है, ये कटिंग्स हैं, और ये वर्जिनल सुपर नेपियर 4G बुलेट है, ये प्रमाणित है, ये रजिस्टर्ड फर्म है। और इसमें जो हम स्टिक्स किसान भाइयों को दे रहे हैं, जो कलम दे रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि मैच्योर्ड है। आप देखिए इसमें हर गांठ से, ये देखिए यहाँ पे कल्ले फूट रहे हैं जी जी, ये देखिए जी, आप कोई भी गांठ लेंगे हर गांठ से कल्ले फूट रहे हैं जी जी। ये मैच्योर्ड पौधा है। इसमें ज़्यादातर जो शिकायतें आती हैं जो भी कि सर मेरा माल हमारे पास आएगा तो वो सूख तो नहीं जाएगा, या उसमें फुटाव होगा कि नहीं, जर्मिनेशन होगा कि नहीं जी जी, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि अगर आप हाईटेक किसान एग्रो फार्म से जुड़ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि हाईटेक किसान ही एक विश्वास का नाम है। और पिछले 7 सालों से मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, कोई एक दिन का हमारा काम नहीं है कि किसी खेत की वीडियो बनवा के, या किसी जो ज़्यादातर इस तरीके का स्कैम फ्रॉड हो रहा है जी जी, उससे आप बेफिक्र रहिए। ये मैच्योर्ड पौधा एयर टाइट पैकेट में पैक करके कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ, मैंने एयर टाइट का जिक्र किया, एयर टाइट एक प्रक्रिया होती है पैकिंग की,
कि जो ये स्टिक्स हैं ये हरी बनी रहे, वो एयर टाइट में पन्नी में पैक करके उसका एयर निकाल के पूरा लेमिनेट कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर नमी बरकरार रहे और बाहर का कोई भी उसमें हवा, ऑक्सीजन या कोई चीज़ें उसमें ना आ पाएँ, तो वो उस पर उसमें नमी बरकरार रहती है। जैसे कि मैं कुरियर से भेजता हूँ, देश के हर कोने में हमारी सप्लाई है, कहीं 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन तक लग जाता है। पूरे भारत में आप सप्लाई करते हैं? हाँ, देश भर के। कितने साल से काम कर रहे हैं? 7 सालों से। 7 साल से जी। तो भैया 7 साल से काम कर रहे हो? हाँ। पूरे देश में कहीं किसी भी राज्य में? पूरे देश में। और मैं ये तो जो कुरियर का चार्ज होगा वो कौन देगा? कुरियर का चार्ज हमारे किसान भाई देते हैं, और मैं ये हमारा प्रयास रहता है कि मैं सस्ता से सस्ता कुरियर जो हो सके जी, जी उसी कुरियर से मैं किसानों को माल प्रोवाइड कराऊं। सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई भी एडवांस पेमेंट पहले नहीं भेजना है जी, जी। आपको आपका जितना भी ऑर्डर रहेगा जी, वो आपको कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ भेजा जाएगा, यानी कि जब आपका बीज, आपका पैकेट कुरियर वाला लेकर आपके यहाँ पहुँच जाएगा, आपके दरवाजे पर आ जाएगा, दरवाजे पे आ जाएगा, तब उसी को आप अपना पैकेट लीजिए, फिर कुरियर को पैसा दीजिए। ये सुविधा हम किसान भाइयों के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं बिना किसी एडवांस पेमेंट के, क्योंकि आज के डेट में फ्रॉड इतना इतना स्कैम है कि लोग अलग अलग तरीकों से अपने खातों में, अपने अकाउंट्स में पैसे मंगा लेते हैं और किसानों को ठगते हैं। किसान क्या, हर आदमी को ठग लिया जाता है आज के डेट में, साइबर क्राइम इतना ज़्यादा है। इसीलिए मैं किसी किसान भाई से कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं मांगता हूं। मेरा यही कहना है, मेरा जो प्रक्रिया है यही है कि जब आपका बीज आपके पास पहुंच जाए तब आप हमको पैसा दीजिए। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई किसान भाई अपने खेत में लगाता है तो कितने दिन में वो खाने के योग्य तैयार हो जाएगी, अपने जानवर को खिला सकता है? बिल्कुल, ये आपका सबसे अच्छा सवाल है और किसान भाइयों के लिए जानना भी बहुत जरूरी है जी, जी। जब ये कलम जो है जी जी, जैसे कि ये कलम है, ये गांठ है, जो भी आप कह सकते, कैसे लगाई जाएगी थोड़ा बताइए इसी में। लगाने के लिए जैसे इसमें ये जो गांठ है जी जी, ये जो कल्ले निकल रहे हैं जी जी, ये कल्ला आपको इसका ये नीचे वाला हिस्सा जी जी, ये नीचे वाला हिस्सा जमीन में यहाँ तक गाड़ देना है, गांठ को टच करा देना है बस, और ये चीज ऊपर की तरफ रहे, ये जमीन में टच हो जाए बस, आप गाड़ के पानी चला दीजिए। यही बहुत नॉर्मल सी प्रक्रिया है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। किसान भाई यानी गांठ तक गाड़ दीजिए जमीन में बस, बस उसके बाद पानी चला दीजिए, पानी चला दीजिए। आप जिस दिन इसको लगाएंगे उसके गीले में लगाना है, सूखे में लगाना है? देखिए दो प्रक्रिया है, आप गीले में भी लगा सकते हैं, सूखे में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये मल्टी कट है और साल के 365 दिनों लगाया जाता है। तो जैसे बारिश का मौसम है जी जी, तो बारिश के मौसम में आप इसकी रोपाई कर सकते हैं, गीली मिट्टी में भी गाड़ सकते हैं जी जी। अगर बारिश का मौसम नहीं है जी, क्योंकि गीली मिट्टी में लगाना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि जो हमारे किसान भाई लगाते हैं उनके हाथ पैर में मिट्टियां लग जाती है, उसमें चलने में असुविधा होती है जी जी। तो नॉर्मल प्रक्रिया अगर यही है, अगर बारिश नहीं हो रही तो आप नॉर्मल जमीन में सूखी मिट्टी में इसको गाड़ के पानी चला दीजिए, वो प्रक्रिया आसान रहती है किसानों के लिए। दूसरा आपका जो प्रश्न था कि कितने दिन में ये काट के खिलाने लायक हो जाता है जी जी, ये लगाने के बाद गारंटी में कह रहा हूँ, ये जो 4G बुलेट की वैरायटी है जी, जी इसमें बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं, ये जो मेरी 4G बुलेट की वैरायटी है मैक्सिमम 35 से 40 दिन के अंदर आपकी लगभग 6-7 फुट की हाइट हो जाती है। जैसे कि देखिए अभी तो ये सारे पौधे हमारे मैच्योर्ड हो चुके हैं जी जी, ये देख पौधे गिर भी गए, आप देख सकते हैं लगभग हमारी हाइट लगभग 6 फीट है, हाथ उठाने के बाद भी आप देख सकते हैं कि कितना ऊपर तक है। तो ये लगभग 2.5-3 महीना पुराना पौधा है, लेकिन 2.5-3 महीना पुराना होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि कितना मुलायम है। ज़्यादातर हमारे किसान भाइयों का यही प्रश्न रहता है कि सर इसमें रेसे, कांटे, खुजली तो नहीं होंगे, इसको जानवर खाएंगे कि नहीं खाएंगे? तो आप देख लीजिए ये कितना सॉफ्ट है, कितना मुलायम है, इसमें कहीं से कोई खुजली नहीं है, कोई रेसे कांटे इसमें नहीं है जी। आप लगाएंगे 30-35-40 दिन में मिट्टी टेम्परेचर के हिसाब से ये ग्रोथ करता है। सबसे बड़ी बात कि आप देश के किसी कोने से हैं, अगर आपकी उस मिट्टी में, उस खेत में ज्वार, बाजरा, गेहूं, मक्का, आलू, मटर, सरसों, कोई भी फसल अगर A to Z हो रही है जी, ये सर्वाइव कर जाएगा, हो जाएगा। पानी का TDS कुछ भी हो, खारा पानी है, मीठा पानी है, बालू मिट्टी है, ये बर्फीला क्षेत्र है, कोई फर्क नहीं। अगर कोई भी फसल आपके उस टेम्परेचर में, आपके उस वातावरण में, उस जमीन पर, उस मिट्टी में, उस पानी में हो रहा है जी, तो ये सर्वाइव कर जाएगा। और जैसा कि आपने पूछा कितने दिनों तक चलता है, तो ये 5 से 7 साल तक चलता है। एक बार लगा दो 5 से 7 साल चलेगा, चलेगा। बार बार काटते रहो, बार बार कल्ला फोड़ता रहो, आप एक तरफ से काटते रहिए, दूसरी तरफ से ये फिर आपका उस किनारे तक पहुंचते पहुंचते फिर ये उस हाइट पे हो जाएगा। सभी मौसमों में चलता रहता है। भूसे का जो खर्च है वो आपका काफी ज्यादा कम हो जाएगा। नहीं, एक पहला कटान करने के लिए टाइम लगभग चाहिए 35-40 दिन पहला कटान, उसी रेशियो में सारे कटान इसके आते हैं, सारे कटान। अगला कटान भी 35-40 दिन। हाँ, अगला कटान भी 35-40 दिन, 45 दिन मैक्सिमम आ जाता है। तो किसान भाइयों, अगर आप इस चारे को लगाते हैं तो 35 से 40 दिन में अपना पहला कटान के लिए तैयार हो जाएगा, लगभग 8 फीट
हाँ, 6 फीट 7 फीट लगभग 6-7 फीट का जो है तैयार हो जाएगा आसानी से। अगर एक बात और है, अगर किसान भाई अच्छी पैदावार चाहते हैं जी तो लगभग इसको 2 महीने छोड़ देंगे तो और ज्यादा हाइट हो जाएगी। 2 महीना छोड़ देंगे तो आराम से और ज्यादा, लेकिन उस समय नीचे का मैक्सिमम कितना ऊंचाई तक जाता है? मैक्सिमम तो आप ये देख लीजिए, हमारे हिसाब से 20, जो आप वहाँ पौधा है जी जी, वो 20 फीट तक के आसपास का होगा जी जी। आप वो ये आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो जाएगा 20 फीट जी जाएगा, ये देख लीजिए। बताने पे किसान भाइयों को एक बार अचंभा होता है कि होगा कि नहीं होगा, आप दिखाइए पीछे वाला पौधा जी, ये सब पौधे देख सकते हैं 20 ये लंबाई के। हाँ, ये आराम से लग रहा है 15 के प्लस ही होगा। हाँ, और ये देखिए जो छोटे पौधे हैं नीचे से है ना, नीचे हाँ, से ये जो छोटे, ये थोड़ा इस साइड में है, गिर गए हैं। हाँ, ये थोड़ा गिर गए हैं बारिश की वजह से, बारिश की। अब देखिए जो छोटे पौधे हैं आप देखिए, मुलायम बहुत बड़ी जल्दी तोड़िए हाथ से। हाँ, बहुत मुलायम है, रसीला है, इसमें रस इतना है, देख रहे हैं मेरा हाथ गीला हो रहा है, देखिए रस है, पत्तियाँ पूरी तरह से इसकी मुलायम सॉफ्ट है जी। आप देख रहे हैं चारा जो देख रहे हैं, ये पूरा फार्म में खड़ा हुआ है। और ये मेचोर्ट आप देख लीजिए, मेचोर्टी की बात जो करते हैं जी, हर गांठ से इसकी जो शाखाएं हैं, इसके कल्ले हैं, निकल रहे हैं जी, यही मेचोर्टी की पहचान है। और यही मेचोर्ट पौधा ही मैं देश के कोने कोने में कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ भेज रहा हूँ, बिना किसी एडवांस पेमेंट के। कोई एडवांस पेमेंट नहीं देना, मैं इस चीज़ को बार बार कहता हूँ, क्योंकि एडवांस पेमेंट देने पे किसानों के साथ ठगी हो जाती है, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है और उनको एडवांस पेमेंट करने में हिचक भी रहती है। इसीलिए मैं कुरियर कंपनियों से हमारा टाई अप है और कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ ही मैं देश के कोने कोने में माल भेज रहा हूँ। हम ये जानना चाहते हैं, हमारे किसान भाई जो है चरी बोते हैं जी, ठीक चरी बोते हैं, वो खिलाते हैं ठीक, तो ये इसको क्यों खिलाना चाहिए इस चरी चारे को, इसमें क्या फायदा है? चरी जो है वो सीजनल होता है जी? चरी सीजनल कटिंग उसकी होती जी, है। जैसे आप अगर गर्मी में बोए हैं तो 2-3 कटिंग 4 कटिंग लेंगे, जो सूडान है या जो ज्वार बाजरा वगैरह है, इसकी 2-3 कटिंग से ज्यादा आप नहीं ले पाएंगे। यानी वो गर्मी में बोया जाता है, बरसात तक चलता है, बरसात तक चलता है। और ठंडियों में जो है इस तरीके का कोई ज्वार बाजरा आग की खेती आप नहीं कर सकते, उस समय बरसीन होता है और भी कुछ ग्रास हैं वो होते हैं, लेकिन ज्वार बाजरा आप ठंडियों में नहीं बो सकते जी। ये आपके लिए बेहतर विकल्प है, ज्वार बाजरा की जगह आप इसको एक बार लगा दीजिए, 12 महीना काटे। हम ये समझ गए कि ये पूरा साल चलेगा ठीक है। हाँ। लेकिन इसके दूसरे फायदे क्या हैं, हमें बताइए। दूसरे फायदा जो सबसे बड़ी बात है कि ये मीठा बहुत है, मीठा है। हमारे पशुपालक भाई जो हैं वो जानवरों को दूध बढ़ाने के लिए, जानवरों का दूध बढ़े उसके लिए गुड़ खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, चीनी भी खिलाते हैं, चीनी खिलाते हैं, दूध बढ़ जाए। चीनी का जो टेस्ट है, अगर जीभ से आप टच करेंगे तो गन्ने से मिलता जुलता टेस्ट आएगा, इतना मिठास है। और इसमें 18% प्रोटीन की मात्रा है, ये हमारी गारंटी है, इसका मेरे पास लैब रिपोर्ट भी है। किसी भी चारे में 4-5% से ज्यादा प्रोटीन नहीं होता है, बरसीन में ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, मैक्सिमम 6% होता है जी। और भूसे में जो है 0% प्रोटीन होता है, कोई प्रोटीन भूसे में नहीं। भूसा अगर आप सिर्फ भूसा खिला रहे हैं जानवरों को अपने, तो वो पेट भरने का ही काम करता है, उससे उनके दुग्ध उत्पादन में, मिल्क प्रोडक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए किसान भाई उनको अलग से एडिशनल न्यूट्रिशन देते हैं, खली हुआ और भी रातिब देते हैं, कपिला पशु आहार वगैरह चोकर देते हैं, चूनी देते हैं, इसको अगर आप खिला रहे हैं जी जी। तो एडिशनल न्यूट्रिशन मतलब एक्स्ट्रा जो आप खली बिनौला चूनी चोकर या जो भी चीजें देते हैं उसमें आप 60-70% की कमी कटौती कर सकते। मैं पूरा तो नहीं कहूंगा कि आप खत्म कर दीजिए, मत दीजिए कोई भी न्यूट्रिशन, लेकिन आप आधे से ज़्यादा उसमें 18% प्रोटीन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अगर जो हमारे किसान भाई पढ़े लिखे होंगे उनको इसका जो हम बात ये कह रहे हैं, इस बात का वजन उनको पता होगा। यानी अगर किसान भाई इस चारे को खिलाते हैं तो इससे उनको जानवर को प्रोटीन मिलेगी, बिल्कुल, तो इसे दाने में कमी कर सकते हैं, 60-70% की कमी कर सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन 1 केजी दे रहे हैं, 1 केजी कोई चोकर चूनी या कोई पशुहार दे रहे हैं, तो उसमें आप लगभग 300-400 ग्राम तक देंगे, लगभग 600-700 ग्राम की कटौती कर देंगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे चारे की भी बचत होगी। हाँ। और प्लस जो है सबसे बड़ी बात है कि भूसे की बचत होगी। भूसा बहुत ही महंगा है, 15-20 रुपए केजी का भूसा है, जो डेयरी फार्मरों के लिए कैंसर सा बन गया है, जो बड़े बड़े डेयरी फार्मर हैं। और इस नेपियर चारे में उत्पादन इतना है कि आपके पास थोड़ी सी भी जमीन हो, बिस्वा, 2 बिस्वा, कट्ठा, अलग अलग जगह, जैसे यूपी में लोग बिस्वा कहते हैं, बीघा कहते हैं, बिहार में चले जाएंगे कट्ठा कहते हैं, इधर महाराष्ट्र में गुंडा कहते हैं, एकड़ कहते हैं, तो एकड़ तो ज्यादा बड़ा एरिया हो गया जी,
आप छोटे एरिए में भी जिस हिसाब से आपके पास जमीन है, हाँ, जिस हिसाब से आपके पास जानवर हैं, हाँ, उस हिसाब से आप बो सकते हैं। थोड़ा जमीन भी है तो आप लगा सकते हैं, थोड़े में भी लगा पैदावार सकते देता है, पैदावार इसकी बहुत ज्यादा है। भूसे में भी मिला के खिलाइए, एक दो जानवर है तब भी लगा सकते हैं, तीन चार जानवर तब भी लगा सकते हैं। बड़ा डेयरी फार्म है तो बड़ी खेत में लगाइए आप, बिल्कुल, तो उसके लिए लगा सकते हैं। जैसा आपके पास खेत है वैसा आप लगा सकते हैं, या आपके पास डेयरी जिस हिसाब से गाय जानवर रखे हुए हैं। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं गायों के लिए कैसा रहेगा, हमारे व्यूअर ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई गाय रखे हुए, हाँ, दो तीन चार पांच गाय रखे तो गाय की खाएगी नहीं खाएगी। अच्छा क्वेश्चन है ये, गाय भैंस बकरी घोड़ा खरगोश मुर्गी यहाँ तक कि ग्रास कार्प मछली, जो हमारे मत्स्य पालक भाई हैं जो फिश फार्मिंग का व्यवसाय कर रहे हैं, एक मछली आती है ग्रास कार्प के नाम से, जी जी, वो चाइनीज मछलियाँ हैं, वो ग्रास कार्प मछलियाँ भी उसको बहुत तेजी से खाती हैं और उनके ग्रोथ में बहुत तेजी से बूस्ट होता है इसको खिलाने से। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे हमारे गोट फार्मर भाई हैं, तो जो गोट फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा ये सजेशन देना चाहूँगा कि आपको गोट फार्मिंग में इसको 20 से 25 दिन पे ही काट लेना है, क्योंकि छोटा होगा, हाँ, क्योंकि जब ये लगभग 6 फीट की हाइट का हो जाता है तो जो नीचे का डंठल होता है थोड़ा मोटा हो जाएगा, वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है। और बकरियां जो होती हैं सिर्फ पत्तियां ही खाती हैं, डंठल शाखाएं तने वो नहीं खाती हैं, गाय भैंस तो सब खा लेती हैं, तो वो 20 से 25 दिन में ही काट लें, अच्छी पैदावार उनको मिलेगी, यानी वो छोटा छोटा काट के खिलाएं। हाँ हाँ, ये कहने का मतलब हुआ। हम स्पेशली आपसे गाय के बारे में पूछना चाहते हैं जी, कि गाय इसको कैसे खाती है, गाय खाएंगे अच्छे से? गाय बहुत अच्छे से खाती है, मैं सभी जानवरों का नाम लिया उसमें गाय भी इंक्लूड है जी, लेकिन गाय के लिए भी इसमें स्पेशली कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आप थोड़ा सा इसको अपना कैमरा करीब करिए जी, ये देखिए चौड़ी पत्ती है इसकी और जरा सा कहीं इसमें आपको रोवा रेसा कांटा कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा होगा जी, जी कहीं आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। जानवर जो किसान भाई का ज़्यादातर ये इंक्वायरी रहती है, सर खुजली तो नहीं होगी, रेसे कांटे तो नहीं है, काटने में खुजली, देखिए मेरा हाथ खुला हुआ है, मैं हाथ से अपने रगड़ रहा हूँ, कहीं से कोई खुजली नहीं है, कोई रेसे नहीं है। किसान भाइयों, कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी किसी भी नस्ल की गाय है तो आप उसको ये चारा दे सकते हैं, सुपर नेपियर जो चारा है ये किसी भी गाय किसी भी नस्ल की हो उसके उसको दे सकते हैं खाने के लिए, आपने खेत में लगा करके उसको अच्छे से खिला सकते हैं। और हाँ, तो हम जानना चाहते हैं अगर हमारे किसान भाई आपसे संपर्क करते हैं और ये चारा लेना चाहते हैं तो आप उनको किस रेट में उपलब्ध करा देंगे, हमें ये जानकारी चाहिए। देखिए किसान भाइयों के लिए मैं जी जी ईमानदारी से देने वाले तो बहुत ज्यादा ठगी कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के ना बताइएगा। मैं पर गांठ ₹2 प्लस डिलीवरी चार्ज, पर गांठ ₹2 हाँ, प्लस डिलीवरी चार्ज। डिलीवरी चार्ज किस हिसाब से? डिलीवरी चार्ज जो है, डिलीवरी चार्ज का कोई फिक्स रेट नहीं होता है, वो कुरियर कंपनियों पे निर्भर करता है कि आपका कितना आर्डर है और किस जगह पे जाना है, वो दूरी और वजन के हिसाब से, दूरी और वजन के हिसाब से, हाँ, लेकिन डिलीवरी चार्ज कुछ खास नहीं लगता है, वो 200-400-500 के आसपास ही रहता है। ये ₹2 स्टिक प्लस डिलीवरी चार्ज के रेशियो से मैं अभी के लिए, ये 2023 में आपका वीडियो शूट हो रहा है जी, आज ये अगस्त में 13 अगस्त को, आज के डेट का मैं रेट बता रहा हूँ, रेट भविष्य में घट बढ़ सकता है, तो भविष्य में तो घट बढ़ सकता है, उसके लिए यानी हमारे किसान भाइयों अगर कोई लेना चाहता है तो ये आप गांठ देख सकते हैं, ये लगभग 6-7 अंगूर की गांठ होगी, 8 भी हो सकती है, 7-8 अंगूर की गांठ है और एक गांठ ₹2 में आपको मिल जाएगी, ठीक है, और प्लस इसका जो घर तुम्हारे पहुँचने का चार्ज होगा वो आपको अलग से देना होगा, ये आप देख सकते हैं। और जब ये माल आपके घर पर आ जाए, आपके दरवाजे के सामने आ जाए, तब आपको रुपया देना है, पहले आपको कोई रुपया नहीं देना है, किसी प्रकार का फ्रॉड में नहीं फंसना है, ये आप देख सकते हैं, गांठ इस टाइप की गांठ है, ये आप देख सकते हैं। हाँ भाई जी, क्या बता रहे हैं? चैनल के माध्यम से आखिरी में किसान भाइयों के लिए कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले 7 सालों से हरे चारे पे रिसर्च कर रहा हूँ जी, ये तो इस वीडियो मैंने आपको सुपर नेपियर 4G बुलेट के बारे में बताया है, इसके अलावा हमारे पास 20 से अधिक प्रजातियाँ मौजूद हैं, उस पर कभी डिटेल में आप वीडियो बनाइएगा, उसमें 20 से अधिक प्रजातियाँ हैं, 20 से अधिक प्रकार की प्रजातियों के आपके पास जो है चारा उपलब्ध, हाँ चारा उपलब्ध, चारे की है वैरायटी, हाँ चारे की वैरायटी उपलब्ध है, जिसमें बकरियों के लिए स्पेशल है, गाय भैंस के लिए स्पेशल है, मछलियों के लिए स्पेशल है, ठंडियों के मौसम में चलने वाला है, सब मतलब यूनिक हरे चारे हैं जिसपे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, 20 से अधिक वैरायटियाँ हैं। अगर आप उन वैरायटियों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है जी जी, उस पे आप हमारी टीम से संपर्क करके आप उनसे सलाह ले सकते हैं, आपके आपका जो एरिया होगा जहाँ से जो क्षेत्र होगा उस हिसाब से भी मैं आपको चारा प्रोवाइड करवा दूँगा,
और अगर आप इस चारे को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन स्टोर www.hightechkisan.com लिंक भाई साहब से कहेंगे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी आप जाके परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको खरीदना है तो डायरेक्ट आप जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है उस पे भी संपर्क करके हमसे, हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करके अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ आपके एड्रेस तक माल भेज दिया जाएगा। हम लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहते हैं, अगर हमारा क्षेत्रीय किसान भाई कोई है लखनऊ के आसपास पड़ोस का, बगल के कोई जिले का है, लखनऊ का कोई है क्षेत्रीय, वो लगाना चाहता है आपने यहाँ, तो क्या आपके फार्म पर आकर खरीद सकता है? ऑनलाइन ना खरीदा, ऑफलाइन खरीदे, ऑफलाइन की क्या सुविधा हुई आपके यहाँ? ये फार्म हमारा 24/7 खुला हुआ है। अगर हमारे दूर के किसान भाई आ रहे हैं तो उनके लिए टेम्परेरी बहुत अच्छी व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन उनके रहने खाने की व्यवस्था, ये आप बिल्डिंग देख सकते हैं, हाँ रहने खाने की व्यवस्था यहाँ पर है, रहने खाने की उनको व्यवस्था जो भी हमारे यहाँ उपलब्ध होगा वो उपलब्ध करवा देंगे जी, जी। आप किसी भी दिन आइए, किसी भी समय आइए, ये किसी भी समय आइए, आपको यहाँ से भी मैं माल कटवा के, यहाँ पे हमारे वर्कर्स 24 घंटे रहते हैं, डेली हमारी जो सप्लाइयाँ जाती हैं वो भी यहीं से जाती हैं, तो कभी भी आप विजिट तो कर सकते हैं। पता बता दीजिए इसका क्या हो? ये पता बक्सी तालाब सीतापुर रोड उत्तर प्रदेश लखनऊ का पता है ये जी, बक्सी तालाब, आप चारबाग स्टेशन रेलवे स्टेशन आलमबाग कहीं से आएंगे, लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी बक्सी तालाब में पड़ता है आपका फार्म, यानी लखनऊ के बक्सी तालाब पर ये फार्म पड़ता है, यहाँ पर चारे की व्यवस्था पूरा है, मिल जाएगा यहाँ से आपको सीड्स। आपने अपने इस चारे के बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद किसान भाइयों, आज आप लोगों को हमने सुपर नेपियर चारे के बारे में दिखा बताया पूरी जानकारी डिटेल। अगर आप लोग चारा लेना सीड्स लेना चाहते हैं तो भाई जी से संपर्क कर सकते हैं, यहाँ कोई फ्रॉड नहीं है, किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं, नंबर एक का चारा मिलेगा और रेट जो है वो भी बढ़िया फिक्स रेट मिलेगा, कोई रेट ख़राब नहीं होगा। उसके साथ जो आपको पैसा देना हो कैश ऑन डिलीवरी देना है, यानी माल आपके घर पर पहुँच जाए तभी पैसा देना है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे ये जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। हमारे क्षेत्र में ये लखनऊ में पड़ता है बक्सी के तालाब में, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।